Assalamualaikum guys, it's me GM again, एक brand new video में सभी को welcome। तो भाई आज की game देख के आप लोगों को लगेगा भाई M7N launcher में GM अभी भी top one पे है। तो भाई क्या चला है, एक बंदे ने emote देखा है। तो video जो है ना end तक देखना है और enjoy करना है। game play किस level के ऊपर आपके भाई ने करा है, उससे पहले अगर YouTube पे हो तो subscribe कर लेना है, TikTok पे देख रहे हो तो like and repost करके follow भी लाजमी से कर लेना है। भाई हम लोग शरीफ तब तक रहते हैं जब तक हम लोगों को कोई छेड़े ना। जब कोई लेता है छेड़ता है तो फिर भाई उसका अंजाम वो खुद ही भुगतता है। किसी के साथ हेट वाला कोई सीन नहीं है, वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है। तो इसको दिल और गुर्दों पे ना लिया करो, सिर्फ एंजॉय किया करो। और जहां तक रही भाई बात एंजॉय करने की, तो सिर्फ एंजॉय नहीं किया करो, भाई को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्यार भी दिखाया करो, एप्रिशिएट भी किया करो। और कोई चीज ऐसी जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ वो भी लाजमी से बताया करो, क्योंकि कॉमेंट में हर बंदे का रीड कर रहा होता हूँ। ओके, यहाँ पे एक बंदा है शॉप पे, अच्छा बॉडी स्प्रे और गया यहाँ पे SS, जिसने भाई डॉलर के तीन तीन साइन एक साथ लगाए हुए और ऊपर से प्रो समीर लिखा हुआ था। इसका हम लोगों ने किल यहाँ पे कंफर्म कर लिया है, पहला किल यहाँ से मिल जाता है अपने को। बाकी गाइस इस वीडियो के जितने भी बोरिंग पार्ट्स हैं वो मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप लोग बोर हो जाते हो, पूरी वीडियो देखते नहीं हो। तो इसलिए गाइस पूरा वीडियो देख लिया करो, बोरिंग पार्ट जो है मैं खुद ही स्किप कर देता हूँ। ओके, इस साइड के ऊपर एक बनी था भाई, जिसको हमने अच्छे शॉट कराए बट वो नॉक नहीं हुआ। यहाँ पे क्रिमिनल भी आला है, येलो वाला, और अपने पास लूट के नाम पे सिर्फ एक ग्लू होल थे जो हमने लगा दी है। ACAT में बहुत कम एमो थी और MP40 की तो बात ही मत करो, एक ही मैगजीन था शायद से। सामने वाले बंदे को अच्छा वन टैप, उसका नाम भी X1 टैप। लो जी, हैदर ने यहाँ पे गाइस हम लोगों को नॉक करा है, जो कि क्रिमिनल की सूरत में। और ये लो भाई, इसकी कमी थी, मत छेड़ो भाई, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, वो वाला सीन है भाई यहाँ पे। तो इनके साथ भाई आज की वीडियो में होने वाला है पूमा लांगा, और बाकी जो वीडियो इससे आगे का है वो बहुत ज्यादा एंड लेवल है। तो यहाँ से कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आपके पास पॉपकॉर्न है तो लेके चेयर पकड़ लो, क्योंकि बहुत मजे का वीडियो होने वाला है, आखिर तक देखना है। और हाँ, लाइक लाजमी से कर देना अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हो, इवन अगर आप TikTok पे भी देख रहे हो तो लाजमी से लाइक कर देना है। अच्छा गाइस, इस गेम का जो क्रेडिट है मैं फुली देना चाहूंगा साकिब भाई को, जिन्होंने इस गेम के अंदर तगड़े वाला सरवाइव करा है। और यहाँ पे चेक करो, साकिब भाई की सवारी ले ली थी और ये वही स्क्वाड था भाई जिन लोगों ने हम लोगों को मारा था, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बूस्ट हो गया था कि GM भाई को मारने के बाद उसी के स्क्वाड की भाई मेंबर की सवारी ले ली इन लोगों ने। तो भाई मुझसे तो भाई पूमा लांगा करे बगैर रहा नहीं जा रहा था कि किसी तरीके से भाई थोड़ी सी मुझे लूट मिल जाए, एक आधी गन। और किस्मत देखो इतनी अच्छी, हम लोगों ने लैंड करा था भाई ड्रॉप, जिसको अभी तक किसी ने ले नहीं लूटा था। तो ड्रॉप में चेक करते हैं भाई आपने को मिलता क्या है। ले जी, ड्रॉप से हम लोगों को मिला है गाइस M179 लॉन्चर। तो भाई ये लॉन्चर बहुत खतरनाक है, इससे हम लोग किसी भी बंदे की पूरी स्क्वाड भी स्वाइप कर सकते हैं। और जिस लेवल के ऊपर आजकल आपका भाई जो ना M79 लॉन्चर चला रहा है वो तो आप लोगों को पता होगा। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस पाकिस्तान सर्वर के टॉप वन प्लेयर को इसी लॉन्चर से उड़ाया था। ओके, वो बंदे आ चुके हैं गाड़ी लेके रश के लिए, एक लॉन्चर एक गया और दूसरा लॉन्चर क्रिमिनल गया, तीसरा, और इनके स्क्वाड की लिटरली तीन टीममेट नॉक है, एक बंदा रह गया। ले जी, पूरा स्क्वाड स्वाइप कर दिया। इसलिए बोलते हैं गलत बंदे पे रश नहीं करो, अगर गलत बंदे को आपने गलती से मार लिया है तो भाई इमोट दिखाने वाला सीन नहीं किया करो। अब इनके साथ बेचारों के साथ पूमा लांगा हो चुका है, 6 किल यहाँ पे हमारे हो चुके हैं, 23 अलाइव है। और इन बंदों ने लिटरली पूरा गेम बैठ के स्कोन से देखा है। तुम लोगों ने पॉपकॉर्न लिए हो या नहीं लिए हो, इन्होंने पक्का पॉपकॉर्न लेके भाई चेयर पकड़ के पूरी गेम देखी थी आगे। तो गाइस इसके बाद हमारे हाथ लग गई थी स्कार, जो कि अपनी सबसे फेवरेट गन है भाई फ्री फायर के अंदर। तो इससे मैं आप लोगों को आज थोड़े से हेडशॉट चेक करा देता हूँ। कमेंट्री रैंडमली कर रहे होते हैं, कुछ लिखा वगैरह नहीं होता, ताकि स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाए आप लोगों को, वो सीन नहीं है, जो मुंह में आ रहा होता है वो ही बोली जा रहे होते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। किस तरीके से आप लोग लेते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में लादने से बताना है। क्या भाई, लो जी हीरो को क्या ही हेडशॉट लगे, और यहाँ पे साकिब भाई भाई कोमा में चले गए। भाई आप इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो, मैंने कहा भाई देखो टैलेंट है भाई, टैलेंट है, और यहाँ पे हार्डवर्क की भी बोलूंगा। लास्ट ही प्लेयर बचे हम लोग, सामने की साइड एक बंदा, और यहाँ पे पीक लेके इसको बहुत ही प्यार से शॉट मारे थे, वो चेक करो। ले जी गया, क्या ही प्यारे यहाँ पे शॉट मारे थे भाई,
लिटरली यहाँ पे 6 से 7 बंदे सब मेरे को स्पेक्टेट कर रहे थे, क्योंकि वो जिन लोगों को हम लोगों ने मारा था स्कॉट स्कॉट स्वाइप करा था, उन लोगों ने पूरी गेम बैठ के आराम से देखी है। जितने भी टोकन थे हम लोगों ने टीममेट्स को रिवाइव करा दिया। और हाँ दोस्तों, कल से आ रहा है रैंक सीजन न्यू बीआर का, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलेगी रीजन की टॉप लॉबी हर गेम के अंदर। तो उसके लिए मुझे सर्वाइवर चाहिए रहेंगे 3 से 4, क्योंकि अल्ट्रा प्रो आजकल कुछ सही है नहीं, तो सही नहीं है मतलब कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है और उनको टाइम भी नहीं मिल रहा, तो इस वजह से वो तो अवेलेबल नहीं है। बाकी सामने के साइड एक बंदा है जिसको हम लोगों ने अच्छे शॉट गिराए और यहाँ पे ये भी नॉक है। 5 किल हम लोगों के और मिले हैं, एक और सामने और गया भाई स्कार के। आप लोग शॉट चेक कर रहे हो। सर्वाइवर की बात ये है कि मुझे 3 से 4 सर्वाइवर चाहिए। शुरू के दिनों में 8 से 10 दिन हम लोग लगातार गेम खेलने वाले, हो सकता है 24 घंटों में से 16 घंटे या 17 हम लोग गेम ही खेले, बाकी तो पता है स्लीपिंग टाइम और दूसरा टाइम होता है। तो इस वजह से मुझे तगड़े वाले सर्वाइवर चाहिए जो कि हर गेम को लास्ट जोन तक लेके जाए, अगर हम 5-6 दफे भी मरे तो रिवाइव करा दें भाई, इस तरह के सर्वाइवर चाहिए। और कोई प्रैंक वाला बंदा भाई अपनी यूआईडी मेंशन ना करना, ऐसे अच्छे सर्वाइवर करना है जो भाई लास्ट जोन तक हाँ काफी अच्छे टाइम से सर्वाइव कर रहे हो। ये ना भाई पहली दफा आप लोग सर्वाइव कर रहे हो मेरे साथ आके मुझे ही उल्टा रिवाइव करना पड़े, क्योंकि पहले भी काफी सारे बंदे ऐसे ऐड हुए हैं जिनको मुझे खुद ही रिवाइव करना पड़ता था और उन्होंने नाम लगाया हुआ था कि हम लोग भाई सर्वाइवर हैं, तो उस तरह के सर्वाइवर नहीं चाहिए। सामने वाला बंदा मर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या खा गया है, इसने साकिब को नॉक कर दिया था, तो साकिब को हम लोग यहाँ से करा देते हैं रिवाइव। अभी भी हमारे 10 किल हैं और जो रैंडम टीममेट हैं नंबर 3 और नंबर 4, ये पहले शुरू में तो गालियां दे रहे थे भाई ये जीएम है, ये तो बोर्ड है भाई, इसका नाम देख लो, इसको गेम खेलना आता है, इसको कौन रिवाइव कर रहा है भाई। तो साकिब ने बोला हाँ भाई टिकटॉकर है मड़ा यारा तो इसके बाद में इन्होंने रिवाइव करा है, तो बस फिर गेम दिखा ही इनको, एंड में तो कोमा में चले गए भाई, 1 नहीं 2 गेम ओवर हमारे साथ हो जाए। मैंने कहा नहीं रहने दो अभी थोड़ा सा, अभी जा रहा हूँ सुबह खेलेंगे। तो इसके बाद भाई मैंने करी थी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग, जो कि काफ़ी टाइम लग जाता है और आप लोगों ने आजकल पोस्टिंग टाइम देखा होगा तकरीबन 12 बजे कर रहे होते हैं, वो भी रात के दिन के नहीं। सामने एक दो बंदे इनको पकड़ते हैं, एक तो नॉक हो गया है, दूसरा भी इधर ही है। यहाँ पे ग्रेनेड बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कहा थोड़ा सा उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि टॉप लॉबी में इनका यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी फेंक दिए जितने थे। अच्छा यहाँ पे मैंने इनको इजीली मार सकता था लेकिन इसलिए नहीं मारा कि थोड़ा सा वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस भी होनी चाहिए अगर टॉप लॉबी आए तो वहाँ पे ग्रेनेड वगैरह का। ले जी एक और बंदा और इसको क्या शॉट पड़े स्कार के, यहाँ पे 5-6 किल जो निकाले ना सिर्फ हेड शॉट ही मारे हैं लास्ट 5-6 को। चले इसको भी अच्छा हेड शॉट, स्कार के हेड शॉट चेक कर रहे होगे आप लोग, ये एक ही गेम है भाई 6-7 हेड शॉट मारे लगातार। यहाँ पे 12 किल डन हो जाते हैं और अभी भी हमारे अलावा 3 बंदे अलाइव है। साकिब को यहाँ पे मैंने रिवाइव करा दिया था। ओके यहाँ पे एक लड़की थी लेकिन मुझे लगा यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो मैंने एक को तो नॉक कर दिया था और इनके लिए भाई लेफ्ट पे गया शायद कोई बंदा हो, बट इस साइड पे कोई बंदा नहीं था। इतने में भाई उस बंदे ने इस बंदे को करा दिया था रिवाइव और ये चीज़ मुझे बहुत बाद में पता चली, वरना पहले इसके ऊपर रश कर देते और यहाँ पे रश बहुत गंदे वाला करा था। इसको एक अच्छा हेडशॉट कराता हूँ बट हेलमेट लेवल 3 का होता है और जैसे रश के लिए जाता हूँ इसका गंदे वाला यहाँ पे शॉर्ट रेंज में हेडशॉट लग जाते हैं UMP के। तो इसके बाद भाई अपने टीममेट 2 ही बचते हैं और इनसे भुया नहीं हो पाता। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लाइक एंड रिपोस्ट मार देना, टिकटॉक पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लास्ट पे साकिब भाई पूरी ट्राई करते हैं कि जोन में जाके किसी भी तरीके से हम लोगों को रिवाइव करा दें, लेकिन जोन इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा था इनका भाई शॉप तक पहुँचना नामुमकिन था। तो यही सीन था भाई, सुपर मेडिकेट इनहेलर शॉर्ट मेडिकेट बहुत कुछ लगाते हैं बट फिर भी मशीन तक नहीं पहुँच पाते और ये पूजा भाई मिस हो गया था एट दैट।